रामायण में आपने सुना होगा संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज किया गया जिससे उसके प्राण वापस आ गए, लेकिन क्या कलयुग में ऐसा संभव है? फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको इसी रहस्य से पर्दा उठाने की इस विधि के साथ छोड़ जाते हैं, जहां पर क्या कुछ किया जाता है प्रतापगढ़ में आप खुद देखिए। प्रतापगढ़ में सीता माता के जल स्रोतों का अबूझ रहस्य, क्या पत्थर बन सकते हैं रामबाण? गर्भवती महिलाओं के लिए पेन किलर, या आस्था है या फिर अंधविश्वास? प्रतापगढ़ के सीता माता कुंड में महिलाएं आखिर क्या तलाश कर रही हैं? आप ये जरूर सोच रहे होंगे, क्या महिलाएं पानी में फेंके गए सिक्के तलाश रही हैं या फिर कोई कीमती चीज खो गई? इसका जवाब इनके हाथ में है। गौर से देखिए इन महिलाओं के हाथों में, आपको विशेष किस्म का एक पत्थर दिखेगा और इसी पत्थर को तलाश करने के लिए महिलाएं यहां दूर दूर से आती हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला को सीता माता का यह पत्थर पानी में डालकर पिला देने से प्रसव पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। महिलाएं दावा कर रही हैं कि इस पत्थर को पानी में रख देने से ये औषधि बन जाती है। लेडीज का डिलीवरी होती है ना, तो ज्यादा कष्ट होता है, इसलिए ये पत्थर का पानी पिला देते हैं, उनको डिलीवरी आसानी से हो जाती है। क्या वास्तव में इस जल स्रोत से निकलने वाले पत्थर चमत्कारिक होती है? इस बात की तस्दीक करने के लिए हम सीधे पहुंचे प्रसूति रोग विशेषज्ञ करतार सिंह के पास। सुन डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। ये तो एक ऐतिहासिक धारणा है कि वही सीता माता ने जो वहाँ जन्म लिया उसकी पीड़ा कम हुई थी, तो अपन भी यहाँ से कुछ लेके चले तो उससे भी अपनी पीड़ा आसान हो जाएगी। एक धार्मिक और ऐतिहासिक धारणा है, और बाकी इसके पीछे वहाँ पत्थर को पानी में डाल के पीने से तो प्रसव पीड़ा कम नहीं होती। दरअसल प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर वाल्मीकि आश्रम नाम का यह स्थान, जिसे सीता माता भी कहा जाता है, आज यह स्थान सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आदिकवि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था। ऐसी भी मान्यता है कि अवध के विशाल राज्य से निर्वासित होकर सीता माता ने धरती की गोद में समा लेने की प्रार्थना की थी। तब यह समूचा स्थान कांप उठा। और तब कई जल स्रोत टूट गए। यह जल स्रोतों के नीचे पाषाण खंडों में लाल रंग की परतें जम गई। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि माता सीता यह स्थान के बाद अपनी मांग में सिंदूर और भाल पर बिंदी लगाया करती है। इसी मान्यता को दिल में बसाए बड़ी संख्या में महिलाएं यहां आती और पानी में से ऐसे पत्थर तलाशती रहती जिन लाल सिंदूर या भाल होती है। मतलब ज्यादा कष्ट होती ना, तो ये दूल्हा के पानी पिला देते तो आराम से बच्चा बच पत्थर का क्या करेंगे कि पहले लेडीज के लिए डिलीवरी है तो इसको कष्ट का उठाती है तो कुछ दो इन पर। दूर दूर से महिलाएं इस कुंड में विशेष पत्थर को तलाश कर अपने घर ले जाती हैं और गर्भवती महिलाओं को पानी में पत्थर डालकर इस पानी को पिलाती है। लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि ये केवल लोगों का विश्वास है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रजातियों के ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन इस जल स्रोत के पत्थर क्या वास्तव में औषधि का काम करते हैं, इसको लेकर अभी वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुए हैं। इसे आस्था के हैं या अंधविश्वास, इस चमत्कारिक पत्थर को इलाके के लोग किसी रामबाण से कम नहीं मानते हैं। प्रवेश परदेश, जी मीडिया, प्रताप।